अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैर आफियत से होंगे। 1.3 एक्सरसाइज बेटा हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और 1.3 एक्सरसाइज लिमिट से रिलेटेड है, और लिमिट से रिलेटेड हमने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में जो है ना डिस्कस कर लिया है। अब हम 1.3 एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था बेटा उसमें हम लोगों ने थ्योरम्स पे डिटेल से डिस्कस कर लिया था, जो यहाँ पर बात लिखी हुई है थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, उसके थ्योरम सारे के सारे मैंने बेटा आप लोगों से डिटेल से डिस्कस कर लिए। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बज़ाहिर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में जिस बात का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने थ्योरम्स ऑफ सी लिमिट्स के थ्योरम की टेक्निक्स को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो जो हमने थ्योरम पढ़ा है बेसिक रूल थ्योरम का, उसी को फॉलो करते हम इसको सॉल्व करेंगे। टोटल इसके 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें से 4 पार्ट्स आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, ये मैं आपको बेटा सॉल्व करवा दूंगा, बाकी पार्ट्स फिर आप लोग इसके खुद से सॉल्व कर सकेंगे। दो ही पार्ट ही बचेंगे, वो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इन चारों पार्ट्स को देखने के बाद बाकी दो पार्ट्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, इसमें पॉइंट नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें लिमिट की थ्योरम हम लोग देखें तो थ्योरम 1 में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो सेपरेटली दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, तो इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 लिमिट से, बाई शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास भी क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 इंटू क्या हो जाएगा x, प्लस हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 इंटू 4। इस फंक्शन पे लिमिट अलग अप्लाई कर देंगे, इस पे लिमिट अलग अप्लाई कर देंगे। अब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर तो x मौजूद ही नहीं है, तो किसी भी कांस्टेंट की जो लिमिट होती है वो कांस्टेंट के ही इक्वल होती है, तो यहाँ पर हमारे पास बेटा क्या आंसर आ जाएगा 4, 2 3 से क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 करने तो आंसर क्या हो जाएगा 10। तो इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन का जो हमारे पास लिमिट जब अप्लाई करेंगे इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आए अब इस फंक्शन पे मूव करते हैं। इस फंक्शन को बेटा अगर आप लोग देखें, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लिमिट में हमने पावर रूल पढ़ा हुआ था लिमिट के अंदर, कि पावर रूल ये है कि पहले लिमिट को पावर के अंदर लेकर जाएं फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करें, तो हम उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे बेटा। जब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 इंटू मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, एंड मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा होल की पावर क्या बन जाएगी 1/2 हो जाएगी हमारे पास। एक बात होगी, दूसरी बात अब हम क्या काम करते हैं हर टर्म के ऊपर सेपरेट लिमिट अप्लाई करेंगे। ये सम वाला फार्मूला इस पर यूज़ हो रहा है कि सम ऑफ द लिमिट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है, तो इस पर लादा इस पर लादा इस पर लादा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स का स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 ऑफ 4 और ये स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे आंसर क्या हो जाएगा 3, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 4, और जब आप इस सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास बेटा फाइनल जो आंसर आ जाएगा और साथ स्क्वायर रूट स्टिल चल रहा है 16 आ जाएगा हमारे पास, और 16 का बेटा जब आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4, तो फाइनल इसका आंसर क्या बन जाएगा 4 आ जाएगा। अब आए इसका 6 पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है, और 6 पार्ट क्वेश्चन टेक्निक इस पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक होगी बात के लिमिट अगर आप अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर तो उनके सेपरेटली लिमिट अप्लाई करने से सम ऑफ देयर क्वेश्चन ऑफ द लिमिट्स के बराबर आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमारे पास अब फिर सॉल्यूशन, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 2 एक्स, इसको हम यूँ लिख सकते हैं मज़ीद आसानी की खातर लिमिट की अगर हम टेक्निक को अप्लाई कर दें तो प्लस 5 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास होल डिवाइडेड बाई, अब सेपरेट यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 टाइम ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स हो जाएगा माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब हम बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट नोट कीजिएगा कि जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 5 इंटू क्या बन जाता है माइनस 2 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा
माइनस हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू, क्योंकि हम लोग ये बात यहाँ पर सीख चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट की लिमिट ऑफ दैट कांस्टेंट उसी कांस्टेंट के बराबर होती है। तो अब हमारे पास फिर क्या आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्स मौजूद ही नहीं है कि हम उसकी जगह वैल्यू पुट करते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एट, माइनस सिक्सटीन, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस टेन, इसको लिख देंगे तो माइनस सिक्स, माइनस टू विच इज़ इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस एट। अब क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, टू के टेबल से कैंसिल आउट कर दें थर्टीन, इसको कैंसिल आउट कर दें फोर, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, थर्टीन बाई फोर हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर वन के जो चार पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं लिमिट से रिलेटेड, ये चार पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अब आपने इन पार्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि क्वेश्चन नंबर टू थ्री पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे मजीद हम बात करेंगे लिमिट पे, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ताकि क्लियर हो जाएं। ठीक है, आज के लिए बेटा आप कहते हैं कि मैं बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो को क्लिक कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ उस पर बात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।